जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन का रेशियो बढ़ रहा है, वैसे वैसे इंडिया में जॉब ढूंढना और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। पर अगर हम देखने जाए तो इंडिया में कुछ ऐसे जॉब्स भी है जो कंपेरेबली दूसरे जॉब से हमको ज्यादा सैलरी देते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन से हाईएस्ट पेड जॉब्स अवेलेबल है इंडिया में। पर दोस्तों, अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आज का एक गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम होता है कि आपको ट्रस्टवर्दी इन्फॉर्मेशन और एडवाइस दे आपके ऑडिट अकाउंट्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पर। सीए को आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, बिजनेस रिकवरी, इंसॉल्वेंसी या अकाउंटिंग सिस्टम्स और प्रोसेस जैसे कई सारे काम करने पड़ते हैं। चार्टर्ड अकाउंट्स ओवरऑल जनरल मैनेजमेंट देखते हैं। कुछ अकाउंट्स पब्लिक प्रैक्टिस वर्क में काम करते हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और कुछ गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। कैंपस प्लेस के जरिए एवरेज सैलरी 7 लाख होती है और हाईएस्ट एंट्री लेवल सैलरी हुई है 23 लाख एंड अबव। पायलट। एयरक्राफ्ट पायलट का काम होता है एयरक्राफ्ट या प्लेन को हवा में उड़ाना और मरीन टाइम पायलट का काम होता है शिप या सबमरीन को पानी में चलाना। एयरक्राफ्ट पायलट या एविएटर एक ऐसा जॉब है जिसमें पायलट को प्लेन के डायरेक्शन और बैलेंस दोनों ही अच्छे से कंट्रोल करना होता है। एंट्री लेवल पायलट की सैलरी लगभग 1.5 लाख होती है पर मंथ और हाईएस्ट एंट्री लेवल सैलरी होती है लगभग 5 लाख एंड अबव, एंड ये भी पर मंथ। डॉक्टर। एक मेडिकल प्रैक्टिशनर, फिजिशियन, सर्जन, मेडिकल डॉक्टर या फिर सिंपल भाषा में डॉक्टर एक ऐसा जॉब है जहां डॉक्टर अपने मेडिकल नॉलेज को लोगों की हेल्थ मेंटेन करते हैं और रिस्टोर करते हैं। यहां पर डॉक्टर आपके बॉडी को स्टडी या डायग्नोसिस करके आपकी डिजीज, इंजरी या कोई और फिजिकल मेंटल इम्पेयरमेंट्स को ट्रीट करते हैं। डॉक्टर्स की एंट्री लेवल सैलरी ₹5 लाख होती है और हाई 60 लाख एंड अबव होती है और ये सैलरी उनके ऑपरेशंस पर भी डिपेंड करती है। एक्टिंग। एक्टिंग एक ऐसा जॉब होता है जिसमें एक्टर को स्टोरी में दिए गए कैरेक्टर के फीलिंग्स एंड इमोशंस को पोर्ट्रे करना पड़ता है और वो भी अपनी एक्टिंग स्किल्स के जरिए। और इंडिया में बॉलीवुड इंडस्ट्री सबसे जानी मानी फिल्म इंडस्ट्रीज में से एक है। एक्टिंग में भी वैरायटीज होती है जैसे कि थिएटर एक्टर्स, फिल्म एक्टर्स, साइलेंट फिल्म एक्टर्स, वॉइस एक्टर्स जो कार्टून फिल्म्स में आवाज देते हैं या फिर टेलीविजन के सीरियल एक्टर्स। एक्टिंग एक ऐसा जॉब है जिसमें कोई फिक्स सैलरी तो नहीं होती पर अगर हम लोग मिनिमम एस्टिमेटेड बताएं तो 1.2 लाख होता है एक प्रोजेक्ट का और हाईएस्ट एंट्री लेवल तो 1 करोड़ और उससे भी ज्यादा हो सकता है। क्रिकेटर। क्रिकेट खेलने वाले लोगों को क्रिकेटर्स बोलते हैं और इंडिया में क्रिकेट का तो बहुत ही ज्यादा क्रेज है, इतना कि क्रिकेटर्स कोई सेलिब्रिटी से कम नहीं है। इंडिया में क्रिकेटर बनने की ख्वाहिश हर एक बच्चा रखता है। क्रिकेट एक बैट बॉल का गेम है जिसमें दो टीम्स आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं। क्रिकेटर को 4-day मैच पर मिनिमम 50,000 रुपीज मिलता है और हाईएस्ट 4 लाख एंड अबव का पैकेज भी होता है। इन्वेस्टमेंट बैंकर। इन्वेस्टमेंट बैंकर या निवेश बैंकर का काम होता है लोगों की फाइनेंशियल शेयर्स को अलग अलग कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट या निवेश करना और उन स्टॉक्स को मैनेज भी करना होता है। स्टॉक मार्केट से सबसे बड़ा फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग मार्केट बुलाया जाता है जिसमें करोड़ों लोग इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर की मिनिमम सैलरी ₹80,000 पर मंथ होती है और हाईएस्ट एस्टिमेटेड सैलरी ₹8 लाख एंड अबव भी होती है। तो दोस्तों, ये थे इंडिया के हाईएस्ट पेड जॉब्स या पोजीशंस। और अगर आपके पास भी इससे जुड़ी कोई जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।